आ जाओ आकाश। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ दरवाजे पर? मुझे पता था कि तुम मुझसे जरूर मिलने आओगे। अच्छा गैस करती हैं आप परजाई जी। भाई हमने तो सोचा कि चलें और पता करें कि हमारी परजाई जी की तबीयत कैसी है। तुम तो अपनी तबीयत की फिक्र करो आकाश मेहरा। जब मौत जैसे हादसे इंसान के बहुत करीब होते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई तब्दीली जरूर आती है। तो लो मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। आकाश मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ाऊंगी भी तो इतने नीचे के लेवल पर तो नहीं। मतलब? मतलब ये। तुमने अपने हाथ पर मौत की लकीर खींच ली है। बेवकूफ हो तुम आकाश मेहरा, बहुत बेवकूफ हो। अनु तो अपने देव के साथ ही मर गई थी, मरे हुए को तुम और क्या मारोगे? जाओ जाओ, जाकर सबको बता दो कि अनु की असलियत क्या है। मेरी जूती से कौन यकीन करेगा तुम्हारा? देव के साथ क्या हुआ या मैंने जो किया, वो साबित करने के लिए तुम्हें देव चाहिए, जो अब नहीं है। देव के साथ मेरे सारे राज खत्म, अनु की सारी कमजोरियां खत्म और उसके सारे डर खत्म। जिसके पास गवाने के लिए कुछ ना हो ना, उससे हमेशा डरना। ये सबक सिखा कर ही मैं तुम्हें इस घर से विदा करूंगी। मेरी इस घर से विदाई करवाओगी? मुझे इस घर से विदा करवाने का सिर्फ सपना देखो सपना, और जिंदगी भर देखती रहना, क्योंकि ये घर, ये दौलत, ये कैंट ग्रुप ऑफ होटेल्स, ये सब मेरा होने वाला है, मेरा। इस घर से तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आकाश मेहरा। उस डिंगी को अपने गले में लटकाए घूमना। तुम्हारी और डिंगी की इस विदाई के लिए जो तोहफा मैं लाई हूँ, वो तो तुम मुझसे आज ही ले जाओ। तुम्हारे लिए ये प्यारा सा कटोरा, और देखो मैंने तो तुम्हारी बोनी भी कर दी। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किन सड़कों पर बैठकर इस कटोरे का इस्तेमाल करना है, क्योंकि भीख तो मैं तुमसे मंगवाऊंगी आकाश। तो अब के जब तुम अपना सामान पैक करोगे ना, तो इस कटोरे को उसमें रखना मत भूलना। ये कटोरा मेरे हाथ से तुम्हारे हाथ में कैसे आता है देखना, इस कटोरे का ये सफर देखना, और अपनी बाकी जिंदगी के बहुत बुरे दिनों में किसी फुटपाथ पर बैठकर यह हिसाब लगाना कि आज की ये रात तुम्हें कितनी महंगी पड़ी। घर ये ऋण भरा छोड़कर वापस भी तो जाना है, और फिर तुम्हारी तस्वीरें यहाँ छोड़कर। जब देव ने ये तस्वीरें इतने प्यार से यहाँ लगाई है, तो तुम क्यों निकाल रहे हो? देव से उसकी मम्मी को क्यों छीनना चाहते हो तुम? ऐसे कैसा ही नहीं रख सकते यहाँ? देव के खातिर, मेरी खातिर। मम्मी तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैंने देव से और देव ने मुझसे कितना प्यार किया है। हाँ मैं मानता हूं कि मैं नहीं समझ सका, पर जितना प्यार मुझे समझ में आया, उसके बाद मैं ये फैसला करता हूं पम्मी कि मैं ये घर खरीद कर तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। ये घर बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बीजी मुझे आपसे कुछ बातें करनी है।
फिर कभी कुलजीते। बीजी, अगर हम आपस में ही मुंह छिपाएंगे तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? हमें किसी से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है कुलजीते। खोट अगर अपने में हो तो मान लेना चाहिए परजाई। हमारे अंदर क्या खोट है? हमारे घर की जवान बेटी बिना बताए घर से बाहर चली गई है और वो भी किसी प्राय मर्द के साथ। पम्मी अगर अपने होशो हवास में होती तो कभी ऐसा ना करती। हाँ कुलजीते। अरे मगर किसको पता है कि उसे कितना होश है और कितना हवास। जो पता है वो ये है कि पति के चौथे के दिन वो किसी गैर मर्द के साथ। रोहन इस घर के बेटे जैसा है कुलजीते। अरे परजाई जब मुझे नहीं पता तो वो अफवाहें उड़ाने वाली औरतों को क्या पता है कि रोहन क्या है और इस घर का क्या लगता है। और परजाई दिल जिस्म के अंदर होता है, गले के बाहर नहीं लटका रहता कि बाहर वाले देख सके कि कौन आपका क्या लगता है। तो हमें उन बाहर वालों की कोई परवाह नहीं। हम जानते हैं ना कि सब ठीक है तो ठीक है। गुड नाइट। बीजी, रब ना करे कल को अगर उन अफवाहों ने आकर इस घर को घेर लिया तो बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। रोहन, मैं बीजी बोल रही हूँ। जी बीजी बोलिए। तो इतनी धीमी आवाज में क्यों बोल रहा है? बीजी वो पम्मी सो रही है ना इसलिए। ठीक है, तुम लोग वापस कब आ रहे हो? बीजी पम्मी से बात नहीं हुई है, कल सुबह तय करके फोन करता हूँ। अब तय वह कुछ नहीं करना, कल सुबह तक तुम लोग वापस आ जाओ। पर बीजी मैं किसी वजह से कह रही हूँ रोहन, पम्मी का यहाँ होना जरूरी है। तुम कुछ भी करो, पम्मी को कल पहली फ्लाइट से लेकर यहाँ वापस आ जाओ। ठीक है, आप कहती हैं तो हम कल सुबह ही पहुंचते हैं। कल पम्मी यहाँ पहुंच जाएगी, लोगों का बोलना कुछ तो कम होगा। डॉक्टर, शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक्चुअली कल रात को मैंने कुछ ऐसे सिम्टम्स देखे जिससे मुझे ऐसा शक हुआ। क्या आप टेस्ट लेकर बता सकते हैं कि ये सच है या नहीं? ठीक है, हम चेकअप कर लेते हैं। डॉक्टर, मुझे पूरी कंफर्म रिपोर्ट चाहिए अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। मतलब मैं 1% चांस भी नहीं लेना चाहती। अब कितनी देर में मुझे पता चलेगा डॉक्टर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं? आप इतने एक्साइटेड मत होइए, थोड़ा वक्त तो लग जाएगा। देखिए डॉक्टर, मेरा जल्द से जल्द पता करना बहुत ज़रूरी है। कन्फर्म प्रेगनेंसी रिपोर्ट तो शाम तक ही मिल पाएगी। यू विल हैव टू हैव सम पेशेंस, यू नो। ठीक है डॉक्टर, कम से कम आप टेस्ट तो कंडक्ट कर लीजिए। ऑफ कोर्स, आइए मेरे साथ। चलो पम्मी, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। रोहन, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जाने का। पम्मी, ये भी तो तुम्हारा ही घर है, जब चाहो वापस आ जाना। पर अभी जब बीजी चाहती है कि हम वापस लौटे, तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। चलो उठो, चलो। पम्मी, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों है? Are you okay? शहर मुझे छोड़ा नहीं जाता तुम्हारा। पम्मी, पम्मी तुम्हारी सांस भी फूल रही है। चलो चलो, मैं तुम्हें क्लिनिक ले चलता हूँ। कम कम ऑन। हेलो। हेलो माँ। माँ मैं रोहन बोल रहा हूँ। रोहन, तुम लोग लंदन पहुँच गए? नहीं माँ, आज हम लंदन नहीं आ पाएंगे। वो पम्मी की तबीयत जरा। क्या क्या हुआ मेरी बच्ची को? नहीं माँ, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा लो ब्लड प्रेशर हो गया था। लो बीपी में पम्मी को ट्रैवल नहीं करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि। ठीक किया रोहन तूने, जब तक पम्मी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जी माँ। रोहन, किसी बुरी खबर पर बहाने के लिए अब किसी की आंखों में आंसू नहीं बचे। तू प्लीज पम्मी की हेल्थ का ख्याल रखना, फिलहाल उसकी हेल्थ के अलावा कोई बात जरूरी नहीं है। ठीक है माँ, तो हम एक दो रोज में आते हैं। रोहन, सच बता, अपनी माँ से कुछ मत छुपाना। पम्मी वाकई ठीक है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप होल्ड कीजिए, मैं अभी बात करवाता हूँ। जी। Everything is fine. Thank you, doctor. पम्मी, माँ है फोन पर। पम्मी, प्लीज रोहन, देखो मेरी बात मत करो, खामखा मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, मैं उन्हें भी रुला दूंगी। प्लीज
मम्मी प्लीज, माँ के खातिर रो, बात करो और सुनो, बिना आंखों में आंसू लाए बात करना, ओके? यू प्रॉमिस मी दैट, बात करो। हेलो मम्मी जी, कैसी है मेरी बच्ची? ठीक हूँ, अपने बच्चे का ख्याल रखना। उस बच्चे ने तो अपनी माँ का ख्याल रखा हुआ है मम्मी जी, देखिए ना, उसने मरने का दिया अपनी माँ को, वरना मम्मी तो कब की मर चुकी होती। मम्मी जी, देखिए मम्मी जी, आप रोइएगा मत, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि दर्द चाहे हमें जितना भी सता है, अब हम नहीं रोएंगे। हाँ, वादा करती हूँ, हम कभी नहीं रोएंगे। मैं भी वादा करती हूँ। फिर भी रोना आ ही जाता है। चलो रो लो, पर चुपचाप रोना, पता ना चले गुनगुन को। मम्मी चाहे जैसे भी रोती हो, पर माँ जो है ना, वो बच्चों से छिप कर रोती है। और मम्मी, अब तुम एक माँ भी हो। रोहन इस घर का बच्चा है कुलजीत, दुनिया जो बकती है बकने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। आप कुछ भी कहिए, पर लोगों की निगाहें तो इस घर की तरफ है कि पम्मी कब, कैसे और किस तरह लौटेगी। बीजी, पम्मी आज नहीं आ रही है। क्या? तुझे कैसे पता चला तेजी? रोहन का फोन आया था। पर जाई, यहाँ तो नया स्यापा खड़ा हो जाएगा ना, क्यों नहीं आ रहे वो लोग? क्योंकि पम्मी की तबीयत खराब हो गई है। पर जाई, यहाँ मामला कितना बिगड़ सकता है, इसका अंदाजा है आपको? उसका अंदाजा ना मैंने लगाया है और ना लगाऊंगी। समाज के सीने में माँ का दिल नहीं होता, पर मैं तो माँ हूँ कुलजीत। मुझे अगर फिक्र है तो सिर्फ अपनी बेटी की और उसके कोख में पल रहे बच्चे की, जिसे जो समझना है समझे। पर जाई, आप बहुत गलत सोच रही हैं। पीजी, आप लोग सब ऐसे। अरे बहू, तू कहाँ गई थी? बस यूं ही अपने डॉक्टर के पास गई थी। कोई खुशखबरी सुनाने वाली हो बहू? पक्का हो जाए तो बताओ। ये तो बहुत अच्छी न्यूज होगी बहू। बाबूजी, अब आप बिंगी और आकाश की विदाई तो कर ही दीजिए। अब पुराने गम में ज्यादा देर तक फंसे रहना भी तो ठीक नहीं है ना। हाँ पुत्र, तुम ठीक कहते हो। अनु भाभी, जब तक पम्मी दीदी घर वापस नहीं आएंगी, तब तक मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। डिंगी, पम्मी दीदी तो एक दो रोज में आ ही जाएगी, तो फिर तेरा पम्मी के आते ही विदाई हो जाएगी, तो फिर तैयारियां शुरू करें। डॉक्टर कहाँ है? दो मिनट बैठिए, आ रही है। ये फाइल किसकी है? पेशेंट्स की रिपोर्ट है। इसमें आपके रिपोर्ट्स नहीं है। आई एम सॉरी, मेरी रिपोर्ट्स तो आ गई होंगी ना? जी हाँ, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। But I'm very sorry to inform you कि आप pregnant नहीं हैं। क्या ये report confirmed है? जी हाँ। Thank you doctor, thank you very much। मुझे तो लगा था आप ये खबर सुन के बहुत दुखी हो जाएंगी। नहीं doctor, in fact
मैं तो ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश हुई हूँ, वरना परेशान हो जाती। ये लो आपकी रिपोर्ट। थैंक यू। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप ये खबर सुन के खुश क्यों हुई? क्योंकि ये तो आपका पहला बेबी होता ना? डॉक्टर, आपने सुना होगा कि होराइजन एयरवेज की फ्लाइट क्रैश हो गई। हाँ, सुना था। उस फ्लाइट में मेरे पति थे जो क्रैश में मारे गए। पैरी पाना बाजे, पैरी पाना बीजे। जिंदा रहो पुत्र जी, सब कार्य हो गए। हाँ बाबूजी, देव को मैं गंगा मैया को सौंप आया। दीदी कैसी है बाबूजी? उनकी हालत पहले से सुधरी? क्या बात है, आप सब लोग खामोश क्यों हैं? इन सब के खामोश होने की वजह है सैम। एक्चुअली पम्मी दीदी जीजे जी का कुछ सामान लेने एडिनबरा चली गई हैं, और साथ में रोहन भी गया है, जो यहाँ पर तमाशा बन गया है। कैसा तमाशा? लोग पम्मी और रोहन के बारे में फिजूल के फिक्रे कसने लगे हैं। कौन कर रहा है ऐसी बातें बीजी? जरा मुझे नाम तो बताइए। उसे समाज कहते हैं, जिसमें हम सब रहते हैं, और जब साथ रहते हैं तो उसके कुछ कायदे और कानून भी होते हैं, जिसमें जब कुछ गलत होगा तो कहा जाएगा कि गलत हो रहा है। इस बारे में कोई बहस नहीं होगी, सुन लिया तूने? अरे सैम, तुम कब आए? बस अभी अभी। कहाँ गई थी अनु? वो मैं मैंने तुमसे कुछ पूछा अनु? डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास? क्या हुआ अनु, क्या बात है? अनु कुछ बताओ तो, हुआ क्या? कमाल है अनु, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं और तुम हंस रही हो। क्या कहा डॉक्टर ने? मैं आज अपने गायनेक के पास गई थी, और उसने मुझे बताया कि मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम्हारे मुंह से आह नहीं निकली, पर तीर ठीक तुम्हारे सीने में जाकर लगा। जिस दौलत को हत्याने में लगे हो आकाश मेहरा, उसका जायज वारिस मैं अपनी कोख में लेकर आ गई। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।